हिसार के ओचो मार्केट प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजा को अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने और जान से मारने की धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। व्यापारी को पुलिस ने सुरक्षा भी मुहैया करवाई है। फिरौती मांगे जाने और धमकी दिए जाने के 5 दिन बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी न होने से नाराज व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में बैठक की है, जिसके बाद प्रशासन को 27 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है। हमारे व्यापारी विपिन थरेजा जी से अपराधियों द्वारा टेलीफोन पर जान से मारने की धमकी देना और 25 लाख की फिरौती मांगने के विरोध के अंदर ये मीटिंग आज रखी गई थी, जिसमें सैकड़ों व्यापारी यहां मौजूद थे। यहां तक कि आज हर एक व्यापारी व आम नागरिक अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। तो बोला वो इंदर वाली पेमेंट थी, उसका क्या हुआ? हमने कहा कौन सी पेमेंट? तो वो मैं कहा हमारी तो इंदर से बात होगी, हमने ऐसे तीर छोड़ दिया है, हमारी तो उससे बात होगी। तो वो कहता कि ना अच्छा चलो मैं बताता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। वो चौंक गया भाई, उसने किसी का नाम ही यूज किया। फिर दोबारा उसका रात को हम दुकान के लिए दुकान से निकले, घर के लिए हम दोनों भाई इकट्ठे थे। तो फिर फोन आया, फिर पहले मिस कॉल आई, फिर दोबारा मिस कॉल आई, फिर उसकी कॉल आई। फिर कहता मैं जोगिंदर गोंग कैथल से बोल रहा हूँ। मैं कौन जोगिंदर गोंग? कहता वो पेमेंट बोली थी 25 पेटी। तो हम बोले भाई वो तो इंदर वाली पेमेंट थी, वो तो हमारी बात होगी। तो बोला वो उसको भी गालियां देने लग गया इंदर को और हमारे को भी गालियां देने लग गया। फिर उसके बाद वो कहता कि ना 25 पेटी की पेमेंट कल शाम 5 बजे तक नहीं मिली ना तो तू फंसेगा या तेरा भाई फंसेगा, और फंसते ही गोली मार ली थी। तो व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद लगातार व्यापारियों में रोष देखने को मिल रहा है और एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 27 नवंबर तक का प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है कि तब तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इसके बाद ऑटो मार्केट को बंद कर दिया जाएगा। तो व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है।